नाज़रीन, खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और कलर बहुत मज़े का है। मलाई का 500 लगा सर। मलाई ज़बरदस्त। नाज़रीन क्या मलाई आई हुई है, अमेजिंग। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और स्टॉल पर, जो मटका सूप लगाने के साथ साथ जो है वो कश्मीरी सब्ज़ चाय भी जो है वो सेल करते हैं। टेस्ट ऐसा है कि आप जो है वो दंग रह जाएंगे। बहुत मज़े किए एंड ना आई एम गोना टेल यू कि अगर आप लक्ष्मी चौक आते हैं या फिर दयाल सिंह कॉलेज के पास आते हैं तो बिल्कुल बाहर उसका स्टॉल लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत एंड वेलकम टू पोश नोश फूड्स। जी बिल्कुल, पोश नोश का मतलब है कि हम आपकी खिदमत में लाते हैं लाजवाब टेस्टी एंड डिलीशियस खाने, ख्वाह वो सर्दियों के हों या फिर गर्मियों के हों। तो आज कल आपको पता है कि शदीद जो है वो ठंड है, धुंध है और काफ़ी सारे लोग जो है वो टी और कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। उसी की तरफ देखा जाए तो कश्मीरी सब्ज़ चाय को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और स्टॉल पर, जो मटका सूप लगाने के साथ साथ जो है वो कश्मीरी सब्ज़ चाय भी जो है वो सेल करते हैं। टेस्ट ऐसा है कि आप जो है वो दंग रह जाएंगे। बहुत पुरानी दुकान नहीं है लेकिन इनका जिक्र बहुत ज़्यादा सुना है। यहाँ पर जो है वो इस वक्त मैं दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ, लक्ष्मी चौक लगता है, और हम इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये चाय बनाते हैं और इतनी टेस्टी कैसे है। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ एक सर मौजूद हैं जो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस कश्मीरी सब्ज़ चाय को जो है वो तैयार करते हैं और लोग पीते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा डालते हैं कि लोग इनके पास आके बहुत मज़े मज़े लेकर ये चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम है प्यारे सर? सलामत अली सर। मुझे ये बताएं कि कितने अरसा से आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है? ये स्टॉल तो अभी लगाया, पहले हमारी उधर दुकान थी शीश महल। अच्छा, तो मैंने सुना है आपकी कश्मीरी सब्ज़ चाय बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, टेस्टी होती है, कैसे बनाते हैं? ये असल चीज़ें होती हैं ना, दूध भी माजा होता है, चीनी है, पत्ती होती है, बादिया खताई, दालचीनी, बड़ी इलाची, सबज इलाची, तो उसको पका के कावा निकालते हैं, फिर दूध को उबाल के उसमें डाल के फिर तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये जो पतीला पड़ा हुआ है, ये पतीला अमूमन नहीं देखा जाता, तो इस पतीले को क्यों यूज़ किया जाता है और ये कौन सा पतीला है? तांबे का? तांबे का है। तांबे का क्यों यूज़ किया जाता है? ये इसमें ख़राब नहीं होती, भावे दो दिन इसमें सौदा पड़ा रहा ना, ये ख़राब नहीं होगा। ख़राब होनी नहीं। हाँ, वो स्टील का है ना, उसमें एक दो चार घंटे के बाद ख़राब हो जाता है। स्टील के पतीले में दो चार घंटे में इफ़ेक्ट हो जाता है आपका जो भी सामान होता है उसमें, लेकिन इसमें ये जो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये ख़राब नहीं होती। दो दिन भी इसमें चाय पड़ी रहे तो वो ख़राब नहीं होती है, ज़बरदस्त हो गया। ये माशाल्लाह से पतीला मैं देख रही हूँ, इसमें कितनी चाय आ जाती है? इसमें एक मन आती है। एक मन चाय आ जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी। 50 लीटर? हाँ जी। ज़बरदस्त। कितने बजे आप ये स्टॉल लगा लेते हैं? हम 2 बजे लगाते हैं, 1 बजे, 1-2 बजे लगता है। हाँ, तो रात के 1-1 बजे तक, मतलब 12 घंटे की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोपहर को 1-2 बजे लगाते हैं और रात को 1-2 बजे तक ये स्टॉल में आपको कश्मीरी सब्ज़ चाय जो है वो पीने को मिलती है। इसके ऊपर आप क्या क्रश करते हैं, क्या डालते हैं? बादाम। ठीक है, बादाम डालते हैं। हाँ जी। क्रश किया हुआ बादाम डालते हैं, ज़बरदस्त हो गया। कितना वक्त लगता है इस एक पतीले को बनाने में? 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ। तो ये आप इधर ही आके बनाते हैं या घर से बन के आते हैं? नहीं, अपने कमरे में कावा तैयार करते हैं, चाय इधर ही तैयार करते हैं। कावा घर से रेडी होके आता है और चाय बाकी यहाँ पर जो है वो की जाती है। अच्छा, चीनी पहले से डाली होती है या बाद में डालते हैं? ये फीकी होती है, कोई नमकीन पीता है, कोई मीठी पीता है। अच्छा, कोई फीकी पीता है। ये फीकी होती है चाय, ये फीकी होती है, नमक है वो चीनी है। ठीक है, नमक फीकी है। ज़बरदस्त हो गया, बड़ी कमाल। कितने का एक कप दे रहे हैं? ये पेपर कप 100 का है, तो वो दूसरा रोल अगर कप है ना, वो 90 रुपये का। ठीक है, पेपर कप 100 रुपीज़ का है, जो छोटा वो दूसरा कप है वो आप 90 रुपीज़ का दे रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप मटका सूप भी मैंने देखा, तो आप मटके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मटके जो चाप आके दिए? अगले साल बनाएंगे प्रोग्राम, अगले साल जो है वो आपको मटके में कश्मीरी सब्ज़ चाय पीने को मिलेगी। हाँ जी, ऐसा ही है। कहाँ कहाँ से लोग आके?
कराची से आ रहे हैं, पिंडी से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं। क्या कहते हैं इसके टेस्ट के बारे में? अच्छा है तो आते हैं ना। अच्छा है तो आते हैं, जबरदस्त हो गया। और पैक करवा के भी कोई लेके देता है? हाँ जी, पैकिंग तुम्हारे सामने अभी वो लड़की नहीं आई साइकिल पे, हाँ जी, तो वो भी लेके गई है पैक, वो भी लेके। घर वाले भी यही चाहते? हाँ जी। तो आप अपने हाथों से बनाते हैं, जो घर में जब मेहमान आ जाए तो मेहमान कहते हैं ऐसी ताड़े आधी चाय? हाँ, हम लेके जाते हैं, हम हमारे बच्चे घर में पी लेते हैं, जब बच जाती है ना कोई, तो फिर घर ले जाते हैं, वो पीते घर ले जाते हैं। जबरदस्त हो गया। तो गर्मियों में भी चाय लगाते हैं, अभी सर्दियों में? गर्मियों में वो लगाएंगे सोडा लगा, सोडा। हाँ जी, जबरदस्त हो गया। और मजीद इसको कहाँ तक लेके जाना है, दुकान तक लेके जाना है, कितने पतीले आप चाहते हैं कि एक दिन में सेल हो? जी मैंने कहा मजीद इसको कहाँ तक लेके जाना है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देख रहे हैं कोई आस्ता आस्ता कम तेज हो रहा है हमारा। जबरदस्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे देखने वाले नाजिन को? अभी हम नाजिन आपको पी के भी दिखाएंगे कि जितना हमने इस चाय के बारे में सुना है क्या वाकई में उतनी टेस्टी है। लोग चुस्कियां लगा लगा के पीते हैं और यहाँ पर आके जो है वो बैठ के पीते हैं तो टेस्ट करते हैं। तो सर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले? 53 साल का तजर्बा है, 55 साल का तजर्बा है। जबरदस्त। हाँ जी ठीक है। तो मैसेज की देना चाहोगे ना जी? मैसेज की पैगाम देना चाहोगे? आप भी आए, खुद भी हैं। हाँ जबरदस्त हो गया जी। बिल्कुल नाजिन, अब आपको टेस्ट करके दिखाएंगे चाय, कश्मीरी सब्ज चाय। और इनका ये कहना है कि इनका 55 साल का तजुर्बा है, तो मजा क्यों ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी अब भी हम भी ले लेते हैं मजा, लेट्स टेस्ट। नाजिन हमेशा की तरह मैं अपने हाथों से खुद ये चाय जो है वो डालूंगी और खुद पी के आपको चेक करवाऊंगी। हम इनके पास थोड़ा सा लेट आए, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट आए, तो इनका पतीला बिल्कुल एंड होने के, तो आप देख सकते हैं इस पतीले की सूरत हाल से कि माशाल्लाह से इनकी चाय कितनी बिकती है। सबसे पहले हमारे पास ये एक कप है जो आपको 90 रुपीज़ का मिलता है, मैंने ये ले लिया। इसमें जो है वो हम चीनी डालते हैं, कितने चम्मच डालूँ? डेढ़ चम्मच, ये छोटा चम्मच है और मैं इसमें 1.5 चम्मच जो है वो ये चीनी डाल दी। इसके बाद इसको गर्म होने दे, नजर आएगा। मलाई भी नहीं डाल दी, खाली चाय डाल दी है। पहले सिर्फ हम चाय डालेंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छा ओ एजेंडा निकाल के फेंटा लांदे हो नहीं लाईदा नु? ये फेंटी हुई है सुबह भी पक्को संग छिलने वाले पूरे छिले के बाहर रख दो। नाज़िम खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और कलर बहुत मज़े का है। अब ये मलाई डाले। अब मलाई डालूं? मलाई का 500 लगा सर। मलाई जबरदस्त। नाज़रीन क्या मलाई आई हुई है, अमेजिंग। ये तो मैंने ज्यादा भर दी है। चलो अब बादाम डालो, कोई बात नहीं। नाज़रीन ये मैंने कुछ ज्यादा ही फिल कर दिया है, मलाई चेक करें। और इसमें ये बादाम है हमारे पास क्रश किए हुए, ये हम डालेंगे। और इसके साथ हमारे पास है स्टिक और हम इसको रखेंगे, साढ़े को पिर्च आ गई, इसमें रखेंगे साथ में ये स्टिक रखेंगे और ये हम कर देंगे कस्टमर को सर्व और फिर आपको पी के दिखाएंगे। सर मुझे ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आ गया यार, ये इतनी जो है वो मोटी मोटी मलाई कैसे आ गई? ये असल मजों का दूध होता है, असल भैंस का दूध है, इसलिए इसमें जो है वो मलाई है। ये पाक पटन के दूध से आता है, पाक जबरदस्त दूध है। हाँ अमेजिंग हो। सवेरे सवेरे तुम पहले दूध ले जाते? हाँ जी। बड़ी मेहनत है भाई बहुत। अभी हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। नाजिन थोड़ी सी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को ख़राब कर दी है और मलाई इसमें क्या मैंने खूब डाल लिया माशाल्लाह से, और कप भी मैंने काफ़ी फिल कर लिया है, लेकिन आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि जो मलाई आ रही है मेरे मुँह में कसम से इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है। आपको पता जैसे लाहौरी खाने के शौकीन है, तो मेरी भी पैदाइश लाहौर की है, पानी क्यों ना आएगा। लुक एट दिस मलाई नाजरीन, आपको मैं दिखाती हूँ। ओके नाउ आई एम गोना टेस्ट इट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा मलाई आ रही है, की जाए इसके टेस्ट की, जो टेस्ट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है,
फ्रेग्रेंस जो आ रही है वो बहुत अच्छी है, मतलब ये कि आप अच्छा स्मेल करते हैं इसको। और इसमें जो बादाम इन्होंने क्रश करके डाले हैं वो बड़े क्रंची क्रंची हैं, और बलाई तो एंड लेवल की मोटी मोटी आई हुई है, एंड चीनी भी बड़ी अच्छी है। मतलब ओवरऑल आई वांट टू गिव, इंक्लूडिंग माय प्रेजेंटेशन, आई वांट टू गिव 10 out of 10। बहुत अच्छा किया। पहले भी ये कश्मीरी चाय को जो है वो मैंने करवाया था आपको टेस्ट, लेकिन ये भी बहुत बेहतर है, बहुत मज़े की है। एंड नाउ आई एम गोना टेल यू कि अगर आप लक्ष्मी चौक आते हैं या फिर दयाल सिंह कॉलेज के पास आते हैं तो बिल्कुल बाहर उसका स्टॉल लगा हुआ है, आप आएँ ये चाय ज़रूर पिए और आपकी सर्दी थोड़ी बहुत तो कम हो जाएगी। नाउ मैं इसको कम्प्लीटली पीने वाली क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मैं आपको भी बताते चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर जो है वो बेल के आइकन पर प्रेस जरूर करें, अपनी उंगली से ज़रूर उसको जो है वो ऑल ऑर्गेनाइज करें। एनीवे वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।